हेलो। ओके, आई एम सॉरी, ये कनेक्शन बीच में ब्रेक हो गया एंड सडनली ये इंटरप्ट हो गया। शायद देर वॉज सम प्रॉब्लम विद द कनेक्टिविटी। आई डोंट नो इफ पीपल आर लिसनिंग टू मी। आई थिंक आई एम लाइव, बट लेट मी वेट ए few seconds. Okay, I think I am back. So there was some problem in the connectivity and it got interrupted suddenly. So let me pick up from where I was. I was saying that the जो वो प्रिंस है, जो शहजादा है, वो उसी इज्तिराब में खड़ा हो जाता है और ऐसे तो उस सडन मोमेंट में उसका जो ताज होता है उसके सर पे वो गिर जाता है और उस ताज पर तरह तरह के मोती, जवाहरात, हीरे जड़े होते हैं, तो वो टूट कर बिखर जाते हैं। और जब वो टूट कर फर्श पर बिखर जाते हैं तो ये बर्ड नीचे आ जाता है और वो ये मोती, हीरे वगैरह छूनने लगता है, खाने लगता है। कोर्टियर्स कहते हैं अब तो मसला ही नहीं है, अब हमें इसकी गिज़ा, इसकी खुराक का पता चल गया, अब ये हमारे दाम में आ जाएगा। नाउ वी विल ट्रैप हिम बिकॉज वी नो इसकी कमजोरी अब क्या है। तो ये हीरे जवाहरात खाने वाला बर्ड, तो इसलिए हम इसको हीरे जवाहरात वगैरह वगैरह, डायमंड वायमंड खिलाएंगे और इसको पकड़ लेंगे। और वही होता है, वो उसको ट्रैप डालते हैं और ट्रैप से उसको गिरफ्तार करते हैं। सो द बर्ड इज़ नाउ इन द केज। ओके, बर्ड केज में आ गया और बादशाह बड़ा ही रह रहा, हमारा प्रिंस जो है बड़ा खुश हो गया। और प्रिंस ने अपनी जो उसकी ख्वाबगाह बेडरूम था उसी में एक खास चबूतरा बनाया, उधर उसका ये बन रख दिया और 24 घंटे इसी धुन में, इसी के सामने बैठा रहता है। ही हैज़ जस्ट फॉलन इन लव विद दिस बर्ड। शुजात अंद्राबी साहब, मंसूर अहमद साहब, बहुत लोग हैं जी, अब पहले ग्रुप वाले हैं कि दूसरे ग्रुप वाले हैं, आई डोंट नो। तो इसमें क्या होता है कि अब ये जो हमारा प्रिंस है तो ही लूजेज एवरीथिंग, मुश्ताक बर्क साहब, अरशद खान साहब, तो ये 24 घंटे आके बैठ जाता है इसी बर्ड के सामने और खुश रहता है जी। ही इज़ नाउ टोटली एनमर्ड। तो अब गिरफ्तार कौन हुआ, बर्ड हुआ कि ये प्रिंस हुआ? ये जो पढ़ने वाला है, सुनने वाला है, उसको सोचना खुद चाहिए था कि वेदर नाउ द बर्ड इज इन द केज और दिस जेंटलमैन हैज हिमसेल्फ गॉन इन टू द केज। शबीर मुजाहिद साहब, सलाम अलैकुम। विश आप लोगों ने गुलरेज फिल्म बनाया होता। तो उसके बाद हुआ ये, एक दिन, 2 दिन, 3 दिन, तीसरे दिन क्या होता है कि ये जो आपका बर्ड है ये खाना पीना छोड़ देता है। ये जस्ट gives up eating and that thereby he is conveying that he is not happy in this trap. तो ये राजा जो, ये हमारा प्रिंस जो है वो परेशान हो जाता है, उस देखता है यार ये तो कुछ खाता ही नहीं, मर जाएगा ऐसे। और तौसीफ नक्शबंदी साहब तो वो बड़े परेशान, फिर हैरान परेशान हो जाता है, वो अपने वो दरबारियों को बुलाता है, भाई इसका कुछ सोचो। वो कहते हैं इसने, हमें तो पता था सिर्फ इसका हीरे जवाहरात खाता है, कल तक तो खाता था, अब उसने छोड़ दिया खा, अब हम क्या कर सकते हैं इसमें। तो बड़ा कमज़ोर लागर होने लगता है जी आपका ये बर्ड, तो ये बड़ी प्रॉब्लम हो गई। और राजा का चैन करार सब लुट गया, राजेंद्र कृष्ण दार माई ओल्ड फ्रेंड। तो उसके बाद क्या होता है जी, अब बड़ा राजा, ये जो अपना प्रिंस है मासूम शाह, ये बड़ा मिजरेबल कंडीशन इसकी भी हो गई, जितना वो कमज़ोर हो रहा है उतना मासूम शाह भी कमज़ोर हो रहा है। उसने खाना पीना छोड़ दिया, मासूम शाह ने भी खाना पीना छोड़ दिया और ये प्रॉब्लम हो गया। तो जब इसी हालत में ये बर्ड जो है, जब देखता है कि इस बर्ड भी देखता है कि इस प्रिंस की हालत मेरी वजह से इतनी ख़राब हो रही है, तो बर्ड बोलने लगता है। तो ये बर्ड जो है ये एड्रेस करता है मासूम शाह को, अथरेली नाजकी साहब, सलाम अलैकुम, मुर्तज़ा मखदूमी साहब। तो ये इस बर्ड, ये शहज़ादे को एड्रेस करता है और उसे कहता है
कि देखो मैं अगर असली रूप में होता या होती तो मैं तुम्हें तुम्हारा दिल तुम्हारा मन बहलाती, कुछ करती तुम्हारे लिए, तू इतना मिजरेबल क्यों है तारिक रहमानी साहब, अस्सलाम वालेकुम। तो मैं बर्ड नहीं हूँ, मैं एक शहज़ादी हूँ, मैं परिस्तान की रहने वाली हूँ। परिस्तान में एक शहर है, एक मुल्क है, उसका नाम दारुल अमान है। दारुल अमान का जो बादशाह है वो मेरा बाप है, उसका नाम मशहूर शाह है, और मेरी माँ का नाम गुलबदन बेगम है, और मैं परिस्तान की शहज़ादी हूँ। और जी एक और शहर है तुर्किस्तान, तुर्किस्तान में एक बहुत बड़ा पावरफुल बादशाह है, उसका नाम बाहगर्द है, शाह बाहगर्द, और शाह बाहगर्द का एक जवासाल प्रिंस बेटा है, उसका नाम अजब मलिक है। अजब मलिक, अब ब्रीफ, अजब मलिक और ये नौशलब, ये जो वर्ड है ये नौशलब है, तो ये नौशलब जो अपनी कहानी सुनाती है मासूम शाह को कि मैं उसके चक्कर में आई, उसके इश्क में गिरफ्तार हो गई, वो मेरे इश्क में गिरफ्तार हो गया। उसने भी कहीं तज़किरा सुना था कहीं परिस्तान में एक शहज़ादी है जैसी खूबसूरत दुनिया में कोई नहीं, वगैरह वगैरह, और वो फिर पागल हो गया। फिर वो पहुँचता है उस तक और वो आपस में मिलते हैं। जब वो आपस में मिलते हैं तो उसकी माँ, जो लड़की की माँ है गुलबदन बेगम, परियों की जो रानी है, वो उनको रंगे हाथों पकड़ती है एक बाग में, जब इनका आपस में वसल जारी होता है, वो इन दोनों को सेपरेट करवाती है। परी को तो अपने पास ले जाती है, अजब मलिक को किसी वीराने में कहीं वहाँ फेंकवाती है। और जब ये ज़्यादा ही परेशानी करती है वापस आके अजब मलिक के गम में, तो वो उसे श्राप देती है, उसे एक बर्ड बना देती है। अब ये एज अ बर्ड गांव गांव, शहर शहर, मुल्कों मुल्कों घूम रही है अपने अजब मलिक की तलाश में। तो ये जब मासूम शाह को ये पता चलता है, सारी कहानी उसके सामने आ जाती है, तो ही सिंपथाइजेज विद द बर्ड विच इन फैक्ट इज़ द नौशलब। तो वो नौशलब का ये पंजरा सर पे उठाकर निकलता है और वो कहता है कि मैं सारी ज़िंदगी घूमूंगा, तुम्हें मैं अपने ठिकाने पर पहुंचाऊंगा, तुम्हें मैं अजब मलिक से मिलवाऊंगा। और बहरहाल वो किसी तरह से समंदर क्रॉस करके, खून के दरिया, आग के दरिया पार करवा के एंड पे क्लाइमैक्स में बीच में जिन आते हैं, देव आते हैं, बादशाह आते हैं, नज़ीर अहमद साहब सलाम अलैकुम, मोहम्मद याकूब साहब सलाम अलैकुम, तो कई तरह के मुसीबतें परेशानियां उठा उठा कर फाइनली वो अपने मिशन में कामयाब हो जाता है। और फिर वो नौशलब के बाप और उसकी माँ के पास पहुंचता है, उन्हें रिक्वेस्ट करता है, उन्हें कहता है कि मैं भी एक बहुत बड़े देश का बादशाह हूँ, तब तक शहज़ादा था फिर बादशाह बन गया, तो इसलिए मेरी बात मानो, वगैरह वगैरह वगैरह। और वो परसवेड उनको करता है, शीरीन त्रंबू हेलो लोन मंजूर, तो उनको परसवेड करता है और वो अजब मलिक और नौशलब की शादी पे आमादा होते हैं। और बाकी भी जो कैरेक्टर्स हैं वो भी आपस में उधर इधर वगैरह वगैरह सब अपने अपने घर चले जाते हैं, मामला कंप्लीट हो जाता है। दिस इज़ द मेन स्टोरी लाइन ऑफ गुलरेज। अब बात यह है कि ये मेरी नावल में रिलेवेंट कैसे है, इसके लिए हमें ये समझना पड़ेगा कि मकबूल शाह करालवारी ने, ये टेंग साहब ने भी अटेम्प्ट नहीं किया, उन्हें ज़बरदस्त पेश लफ्ज़ लिखा है इस किताब का, 1965 में कल्चरल एकेडमी ने छापी है, इस साल में से पहले भी छपी है गुलाम मंजूर मोहम्मद वगैरह वगैरह कई नुस्खे। टेंग साहब ने, मतलब जो मकबूल शाह करालवारी की गुलरेज पर आज तक लिखा गया उसमें मेरे ख्याल में टेंग साहब का ये सैर हासिल तबसरा है, लेकिन ही हैज़ ऑल्सो नॉट एड्रेस्ड वन इशू कि मकबूल शाह करालवारी ने 1820, 1830 या 1840 ईस्वी में गुलरेज ही क्यों मुंतखब की, गुलरेज की कहानी में ऐसा क्या है, क्या वो कल्चरल, सोशल, पॉलिटिकल, जियोपॉलिटिकल, इकोनॉमिक मेल्यू ऑफ कश्मीर ऑफ 1830-40 फर्स्ट हाफ ऑफ 19th सेंचुरी, उसमें वो रेलेवेंट था? वाई वॉज ही लुकिंग फॉर ए नौशलब
why was Maghbul Shah Kralawari of early 19th century making a heroine out of a peri? वो एक परी क्यों लाता था उसमें? वो गोश्त पोस्त की ह्यूमन वोमन उसकी हीरोइन क्यों नहीं है? वो परिस्तान में क्यों जाता है इसके लिए? वाई ही फाइंड सोलेस इन गेटिंग ए, ये देखिए, ये समझने की कोशिश है कि जो हमारा वो बड़ा डेंजरस मिल्यू है, वो खतरनाक हालात है उस वक्त आपके, द फर्स्ट हाफ ऑफ 19th सेंचुरी कश्मीर, यू आर इन अटर मिजरी, यू आर इन अटर पॉवर्टी, गुलामी है हर तरफ से, कुछ भी नहीं है, लोग भूखे मर रहे हैं, दिस इज टेरेबल, यू नो. फिर आप 1919 में आ गए, 1931 वगैरह आपने स्टार्ट किया, लेकिन इस मौके पर आपके पास न तो एहतजाज है, न तो आपके पास प्रोटेस्ट है, न तो आपके पास कुछ भी है, आप सिर्फ एक ड्रीम कर सकते हैं. सो मकबूल शाह करालवारी वॉज ड्रीमिंग ऑफ गुड टाइम्स. सो वेन ही चूजेज ए परी, वो उसको ह्यूमन एनकम्बरेंसेस से अलग कर लेता है, उसको उसमें से निकाल लेता है. वो कहता है नशे में खाने की जरूरत, नमें चाने की जरूरत, नशे में नहीं यस पठवरी, नहीं यस दारोगे, नहीं यस सजोवली, नहीं यस कहीं चोब दिन. अगर ये ह्यूमन कैरेक्टर आते नहीं तमें से चोब खेनी. तो इसलिए वो आइडियल उसका जो है मकबूल शाह करालवारी का अजब मलिक आइडियल नहीं है. जब आप कैरेक्टर्स में कैरेक्टर्स का एनालिसिस करोगे, उसका आइडियल जिसके पीछे वो भाग रहा है, जो विच इज इल्यूडिंग हिम, विच इज रनिंग अवे, दैट इज द आइडियल. आइडियल ऑलवेज रन अवे, यू रन आफ्टर इट, यू नो. सो द आइडियल हियर इज नोशलब. मकबूल शाह करालवारीज गुलरेज हैज द आइडियल ऑफ नोशलब, एंड नोशलब ही इज प्लेसिंग इन सम अदर वर्ल्ड, इन एन इमेजिनरी वर्ल्ड, जहां महल हैं, जहां सब कुछ है, खाना पीना है, उठना बैठना है, एवरी पॉसिबल यू नो एफ्लुएंस ऑफ दिस वर्ल्ड इज अवेलेबल, बट इन ए परिस्तान. तो ये जो बात है, चूंकि वो उस पॉलिटिकल मिलियो में, इकोनॉमिक मिलियो में, कल्चरल मिलियो में, सोशल मिलियो में था जो अर्ली 19th सेंचुरी कश्मीर का था, इसलिए नोशलब उसकी हीरोइन है जो एक परी है, और जिसको परियों वाली मां जो है उसकी, वो उसको श्राप देकर बर्ड बनाती है, और बर्ड भी शहरों गांव घूमता है, और फिर एक मासूम शाह आ जाता है, तीसरा कैरेक्टर. गो अगेन, मकबूल शाह इज वेटिंग फॉर ए सेवियर. गुलरेज में मकबूल शाह इज क्रेविंग फॉर ए सेवियर, एक मासूम शाह आ जाए कहीं से जो गुलरेज को अजब मलिक के पास पहुंचाए. अजब मलिक कैरेक्टर है, पर्सोनिफाई कश्मीर को करता है, लेकिन उसका आइडियल है नोशलब. अजब मलिक मिजरेबल है बिकॉज द सिचुएशन इज मिजरेबल. उसका रिडेम्पशन इसी में है, उसको नोशलब मिल जाए, मगर उसके लिए आपको एक सेवियर चाहिए. सेवियर उसको आता है मासूम शाह. मासूम शाह एक सेवियर बनता है बेगरज, और शायद इवन 21st सेंचुरी में भी आप पॉलिटिकली उसी मिलियू में है आज भी. सो मकबूल शाह करालवारी गुलरेज बिकम्स रेलेवेंट इवन इन 2018 बिकॉज आवर मिजरी कंटिन्यूज ड्यू टू एनी रीजन. आई एम नॉट गोइंग इनटू पॉलिटिक्स. आवर मिजरी कंटिन्यूज, आवर आइडियल इज समवेयर इन एयर दैट इल्यूड्स अस. We are waiting for a savior like Masoom Shah who comes and delivers us. So ये जो कहानी है, और ये कहानी का जो contextualization आज के दौर में आप कर सकते हो, ये हमने कोशिश किया है गुलरेज में, सती सर में ये कहानी आ रही है, मगर किस तरह आ रही है? आज का मेलू जो है, आज का अजब मलिक है, आज का अजब मलिक टेक्नोलॉजी मांगता है, साइंस मांगता है, फिलॉसफी मांगता है. उसकी नोशलब आज जर्मनी में है, वो आज उसकी तलाश में जर्मनी पहुंचता है, और वहां मार्क्स कील स्पीलबर्ग साइंटिस्ट उसको उस तक रसाई करता है.
जो उसका बर्ड यहाँ से भाग गया था, जो किसी जर्मन बर्ड कलेक्टर ने यहाँ से उठा कर ले गया था. वी हैव ट्राइड टू कंटेम्पराइज दैट स्टोरी. शाह तारिक जावेद साहब अस्सलाम वालेकुम, मुरसलिन मीर साहब, मारिया चारू, जावेद अख्तर नाजकी, कितने लोग आए जी, मैं बोलता गया, रियाज बांडे साहब, बलवंत सिंह, मुश्तबा नाजकी, सरदार शबीर अहमद ख़ान, मेरा क्लास फेलो ज़माने का मोहम्मद इकबाल, शाहीन, ज़ियाउल हक, खुर्शीद सलमानी, साकिब कादरी, परवेज़ मकबूल फाजी साहब अस्सलाम वालेकुम, मंजूर मीर साहब, लोन मंजूर, शीन त्रंबू, नज़ीर अहमद, मेरे बहुत ही प्यारे दोस्त, वाइस चांसलर स्कॉस्ट. तो इन सब सा मेरे देखने वालों को सलाम फिर एक बार. तो कहने का मेरा मतलब ये है कि ये जो गुलरेज की कहानी है, ये हमने कंटेम्पोराइज कर ली और आज के अजब मलिक को हमने तलाश में भेजा अपनी गुलरेज की, लेकिन थ्रू साइंस, टेक्नोलॉजी, फिलॉसफी. देर आर सम ब्यूटिफुल सीन्स इन दैट वंस यू रीड द बुक. आई एम नॉट गोइंग टू डिस्क्लोज दैट. तो उससे मेरी किताब की मार्केटेबिलिटी पर असर पड़ेगा और मेरा पब्लिशर मुझे कहेगी, मैडम कहेगी, तो यू आर लीविंग आउट द सीक्रेट्स ऑफ द बुक विच इज़ नॉट टू बी डन एट दिस स्टेज. सो प्लीज़ वेट फॉर 16th of April एंड इट विल बी लॉन्च्ड, एंड प्लीज़ बाय अ कॉपी एंड रीड इट. एंड सवाब गुना के सही जी मैं नाव, जो आप पढ़ेंगे तो जितने उसके सवाब और गुना होंगे वो मेरे नाम, तो लेकिन आप ज़रूर पढ़िएगा और इस किताब को वो प्यार दीजिएगा, वो मोहब्बत दीजिए जो आप मुझे देते हैं. तो आई थिंक आई हैव टॉक्ड अबाउट द टॉपिक दैट आई हैड चोजन फॉर टुडे, दैट इज़ हाउ गुलरेज इज रेलेवेंट इन 2018. व्हाई शुड इट बिकम अ रिसोर्स फॉर अ बुक दैट ट्राइज टू एड्रेस द व्हाटएवर कश्मीर टुडे स्टैंड्स फॉर. एंड अजब मलिक का जो हमारा कैरेक्टर है वो इतना स्ट्रॉन्ग इस किताब में है, जो हमारी किताब है सती सर, कि वो आपको एक होप दिलाता है, वो आपको एक ऐसी होप दिलाता है कि जिसकी हम सबको तलाश है. एंड जो उसका नावल का क्लाइमैक्स सीन जो है वो भी अजब मलिक के कांधों पे है. बहरहाल I am not going to disclose more of it. So stay blessed and go on, says someone. I don't know who is that. Oh, that is Parvez Maqbool Fazli Sahab. You too stay blessed, sir. Deepak Budki Sahab is watching. Now, Deepak Budki is a storyteller, you know. I don't know how he will react to my story, my novel. तो लेकिन हमने जो भी सीखा है छोटा थोड़ा थोड़ा बहुत जिना, वो दीपक बुद्धकी जैसे ही लोगों से सीखा है, उनकी जो कहानियाँ हमने पढ़ी हैं वो मशाले रहा है हमारे लिए आज भी. ही इज़ वन ऑफ माई फेवरेट राइटर्स. और इतना ही नहीं, इनकी कई कहानियाँ ज़रबुल मसल हम गर्दानते हैं, जानते हैं, ज़ेबरा क्रॉसिंग पर खड़ा आदमी. तो बहरहाल मैं भी एक ज़ेबरा क्रॉसिंग पर खड़ा आदमी हूँ और मैं भी इंतज़ार इसमें इस करता हूँ 16 अप्रैल का, कि ये हरी लाइट हो जाए हरी और मैं भी क्रॉस करूं और पार आप और मैं इकट्ठे सती सर किताब हाथ में लें और देखें कि इसमें है क्या. तो आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया. अल्लाह आपको खुश रखे, सलामत रखे. टेक केयर, बी हैप्पी. टिल वी मीट अगेन. खुदा हाफिज़.